नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबरों पर एक नजर। गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून सुधार के लिए गठित की विशेषज्ञ समिति, बदल सकती है देशद्रोह और वैवाहिक बलात्कार की परिभाषा, ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग पर भी रहेगी नजर। चीन की विस्तारवादी नीति का एक और मामला आया सामने, सकतोंग वन्य जीव अभयारण्य को बताया चीन भूटान के बीच विवादित स्थल। तो चलिए बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण, यौन अपराधों के लैंगिक तटस्थता से लेकर इच्छा मृत्यु को वैध बनाने और राजद्रोह की परिभाषा पर पुनर्विचार करने के लिए गृह मंत्रालय 5 सदस्यों वाली एक विशेष समिति का गठन किया है। आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए गठित की गई राष्ट्रीय स्तर की इस समिति में दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति रणबीर सिंह सहित न्यायिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। यह समिति भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत परिभाषित देशद्रोह के अपराध जैसे 49 तरह के अपराधों पर पुनर्विचार करेगी। यह विशेषज्ञ समिति हिंसक घटनाओं के लिए विशेष कानूनों की शुरुआत पर भी विचार कर रही है, जिसमें मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग जैसे अपराध शामिल हैं। यह समिति विशेषज्ञों से परामर्श कर अपनी रिपोर्ट के लिए अगले 3 महीने तक ऑनलाइन राय इकट्ठा करेगी। आपको याद दिला दें कि दिसंबर 2019 में ही केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संसद को सूचित किया था कि सरकार भीड़ जुटाने से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए IPC और CRPC कानूनों में आवश्यक संशोधन पर विचार कर रही है, क्योंकि संसद सदस्यों ने इसे रोकने के लिए एक अलग कानून बनाने का आह्वान किया था। तब उस समय श्री अमित शाह ने ब्रिटिश युग के विधान में संशोधन करने के लिए सरकार के संकल्प को भी अंडरलाइन किया। आपको बता दें कि भारत में लागू ब्रिटिश कालीन कानून कमोबेश आज भी उसी तरह लागू हैं। आपको मालूम भी होगा कि लॉर्ड मैकाले को भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। साल 1834 में गठित पहले विधि आयोग की सिफारिशों पर चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1860 में आपराधिक कानूनों के लिए खाका तैयार किया गया था और 1862 के समय में ब्रिटिश भारत में लागू किया गया। भारत में आपराधिक कानून इंडियन पिनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत संचालित किया जाता है। रणवीर सिंह समिति से इस बात पर भी सुझाव मांगा गया है कि क्या अपराध के लिए आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम आयु में बदलाव की आवश्यकता है। साल 2015 में कानून में 16 साल से अधिक उम्र के किशोर के साथ जघन्य अपराधों के लिए वयस्क के रूप में व्यवहार करने और आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान किया गया था। चीन की विस्तारवादी नीति का एक उदाहरण भारत के पारंपरिक सहयोगी भूटान के साथ देखा जा रहा है। हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की ऑनलाइन बैठक में पूर्वी भूटान के सकतोंग वन्यजीव अभयारण्य के विकासात्मक परियोजना पर आपत्ति दर्ज कराते हुए चीन ने कहा कि यह भूटान और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है। हालांकि भूटान ने चीन के इस दावे को खारिज किया है और वैश्विक पर्यावरण सुविधा ने भूटान के वित्त पोषण को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि भूटान और चीन के बीच सीमा निर्धारित नहीं है और सीमा विवाद सुलझाने के लिए अब तक दोनों देशों के बीच 24 वार्ताएं हो चुकी हैं। विशेषज्ञों की माने तो चीन का भूटान के नए इलाके पर दावा करना भारत को निशाना बनाने की दिशा में एक नया कदम साबित हो सकता है। पूर्वी भूटान में स्थित सकतोंग वन्यजीव अभयारण्य चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र में स्थित है। भूटान ने दावा किया है कि सकतोंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान का एक अभिन्न और संप्रभु क्षेत्र है, जो भूटान और चीन के बीच सीमा पर चर्चा के दौरान कभी भी विवाद का विषय नहीं रहा। आपको बता दें कि सकतोंग वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी भूटान के लगभग 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यहाँ पर बड़ी संख्या में भूटानी लोग निवास करते हैं। और अब अंत में चलते चलते कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा।
मशहूर क्लिनिकल वैज्ञानिक और ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी THSTI की कार्यकारी निदेशक गगनदीप कंग ने निजी कारणों का हवाला देते हुए 6 जुलाई को अपना इस्तीफा दे दिया। कंग को अंतर्विषयी शोध के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारत में बच्चों में संक्रमण के संचार, विकास और रोकथाम पर काफ़ी शोध किया है। वह पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो बनाया गया था। वह वैश्विक कंसोर्टियम कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस से जुड़ी हैं जो कोरोना वायरस का संभावित टीका विकसित कर रहा है। कंग वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के गैस्ट्रो इंटेस्टाइन विभाग में प्रोफेसर भी हैं। हाल के दिनों में वह COVID-19 के टेस्टिंग के काम से जुड़ी हुई थी। भारत में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अब इसकी दवा को लेकर एक अच्छी खबर आने लगी है। दवा कंपनी माइलैन एनवी ने बताया कि वो गिलियड साइंसेज की कोरोना वायरस की एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का जेनेटिक वर्जन भारत में लॉन्च करेगी। इसकी कीमत 4800 रुपये होगी जो विकसित देशों के मुकाबले 80% तक कम है। माइलैन से पहले दो भारतीय कंपनियां सिप्ला लिमिटेड और हेटेरो लैब्स लिमिटेड भी पिछले महीने इस दवा का जेनेटिक वर्जन लॉन्च कर चुकी हैं। सिप्ला अपने वर्जन सिप्रेम को 5000 रुपये से कम कीमत पर देगी जबकि हेटेरो अपने जेनेटिक वर्जन COVI-4 की कीमत 5400 रुपये रखी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 जुलाई को खालिस्तान का समर्थन करने वाली प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस पर कठोर कार्रवाई करते हुए संगठन से जुड़ी 40 वेबसाइट को भारत में ब्लॉक कर दिया है। अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस एक खालिस्तान समर्थक समूह है। गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी समर्थकों को पंजीकृत करने के लिए एक अभियान चला रहा था। इसे देखते हुए गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संगठन की 40 वेबसाइट्स को IT एक्ट 2000 के तहत ब्लॉक कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में साइबर स्पेस की निगरानी के लिए नोडल प्राधिकार के रूप में काम करती है। गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष सिख फॉर जस्टिस पर उसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। ओडिशा सरकार ने राज्य में भूमिहीन किसानों के लिए एक योजना शुरू किया है जिसके तहत राज्य में लगभग 7 लाख भूमिहीन किसानों या अंशधारकों को ऋण प्रदान किया जाएगा। सरकार के इस योजना का नाम बलराम योजना है। यह योजना राज्य में भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो किसान COVID-19 महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन के प्रभावों के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं सरकार उनकी मदद करेगी। बलराम योजना के तहत ऋण संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। राज्य सरकार ने 1,40,000 भूमिहीन किसान समूहों को 1,040 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करेगी। यह योजना कृषि और किसान विभाग और नाबार्ड के बीच सहयोग से तैयार किया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 5 जुलाई को भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना यानी HICDP के तहत किया गया। यह समझौता भारत सरकार और अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था और शिक्षा मंत्रालय के बीच किया गया। आपको बताते चलें कि इन 5 समझौतों पर $2.6 मिलियन खर्च किया जाएगा। साथ ही यह समझौता द्विपक्षीय समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा अफगानिस्तान में $3 बिलियन की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। 5 जुलाई को हुए समझौते के फंड का खर्च अफगानिस्तान के 5 प्रांतों शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा जिसमें कपिसा, फराह, नूरिस्तान, परवन और बदख्शां जैसे प्रांत शामिल हैं। COVID-19 संक्रमण के मामले में भारत रूस को पछाड़कर तीसरा सर्वाधिक प्रभावित देश बन गया है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि देश में इस महामारी पर नेशनल पॉजिटिव रेट गिरकर 6.73% हो गया है। साथ ही दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव रेट कम होकर 10% पर आ गया जो पहले 30% पर था। वहीं भारत में 6 जुलाई तक COVID-19 पुष्टि के लिए 1 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है।
आईसीएमआर के वैज्ञानिक और मीडिया समन्वयक डॉक्टर लोकेश शर्मा ने कहा कि कोविड 19 जांच के लिए देश में कुल 1105 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 788 सार्वजनिक क्षेत्र में जबकि 317 निजी क्षेत्र में हैं। शर्मा ने आगे कहा कि 25 मई तक जांच क्षमता 1.5 लाख प्रतिदिन थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 लाख प्रतिदिन कर दिया गया है। फिलहाल 8 PM के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़े रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।